अगर कोई भी बवासीर से परेशान है, बवासीर किसी भी तरह की हो, खूनी हो, बादी हो, ब्लड आता हो, मस्से हो या फिशर हो, किसी भी तरह की बवासीर की दिक्कत हो, आप हो या आपको कोई मिलने वाला हो, तो मैं आज आपको 3-4 ऐसी दवाइयां बताऊंगा जो 101% काम करती हैं। अच्छा जी, सबसे पहली दवाई क्या है, आपने नाम सुना होगा कपूर का, एक आता है सादा वाला कपूर जो लोग पूजा में जलाते हैं, वैसे में जल जाता है, वो कपूर नहीं लेना है। एक आता है भीमसेनी कपूर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, नाम याद रखना, भीमसेनी कपूर आपको लेना है चने के दाने के बराबर। अच्छा, और सुबह को बासी मुंह जिसे बवासीर हो, केला छीले आप इस तरह से, ठीक है, और केले में यह है भीमसेनी कपूर, ठीक, ये देखो ये चने के दाने के बराबर लिया है मैंने, इसको केले में इस तरह से लगा दें, ठीक, और मरीज को खिला दें जिसे बवासीर की दिक्कत हो। 3 दिन तक 3 केले सुबह को बासी में रोज खिलाने हैं, तीसरे दिन के बाद किसी भी तरह की बवासीर हो टोटल बंद हो जाएगी। अच्छा भाई, किसी भी तरह की बवासीर हो, और अगर ज्यादा खून आ रहा हो तो एक दवा और बताता हूँ मैं आपको, एक होता है पौधा, उसका नाम है नागदोन, इतना मशहूर हो चुका है कि लोग अक्सर उससे अपने घरों में लगाने लगे हैं। अगर आपके घर में ना हो तो किसी पड़ोसी के घर में हो, वहाँ भी ना हो तो जो नर्सरी होती है वहाँ मिल जाएगा। नागदोन का पौधा लें और 4 पत्ते सुबह को बासी मुंह चबाए और पानी पी जाए ऊपर से, किसी भी तरह से उसे चबा लें। 3 दिन तक अगर ये काम कर लिया, कितने खून आ रहे हो भाई साहब बवासीर में, बवासीर बंद खत्म और खून आना ही बंद। अच्छा भाई, तो नाश्ते से कितनी देर पहले लेना, कम से कम आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले। वो दवाई हो गई। एक बताता हूँ मैं आपको भाई साहब, ये तो होता है नारियल, जटा वाला नारियल जिसे लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इस नारियल की जटा लेनी है आपको, जो ऊपर का वो होता है उसका, दूसरा जो होता है उसका, वो जलाना है, उसकी जलाने के बाद 2 ग्राम राख लेनी है उसकी। 2 ग्राम राख को 1 गिलास मठे या छाछ में डाल के और घोल के 3 दिन पिला दो, किसी भी तरह की बवासीर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा भाई, अरे वाह यार, क्या बात कर रहे हो। और इसके अलावा इनके साथ में अगर उसने एक सब्जी का नाम है, उसे बोलते हैं एलिफेंट फुट, सूरन कंद। अच्छा, सूरन कंद आपको मिल जाएगी सब्जी मंडी में, उसका इंग्लिश में नाम होता है एलिफेंट फुट। अगर उसकी सब्जी आपने 3-4 दिन बनाकर खा ली किसी भी तरह से, या उसका हलवा बनाकर, या उसका पाउडर ही मिलता है पंसारी दुकान पे, चाहे तो आप पाउडर ले सकते हैं। अगर इसके साथ में आपने सूरन कंद की सब्जी खा ली या उसका हलवा खा लिया, जिंदगी भर के लिए बवासीर की दिक्कत खत्म। अच्छा भाई, ये 4 चीजें याद रखना भाई साहब। ये भाई साहब जो लोग ऑपरेशन कराने जा रहे हैं बवासीर का, एक बार ये काम भी कर लिया ना भीमसेनी कपूर वाला, इससे बंद हो जाएगी। या नागदोन का पत्ता खा लिया 3 दिन बासी मुंह सुबह को, 3-4 पत्ते उससे ही बंद हो जाएगी। या फिर जो नारियल की जटाएं होती है वो जलाकर उसका 2 ग्राम राख छाछ में या मठे में लाकर पी ली, 3 दिन बासी मुंह तब भी बंद हो जाएगी। अच्छा। और इसके साथ भी अगर ये सब्जी खा ली सूरन कंद की एलिफेंट फुट, पूरी जिंदगी के लिए बवासीर खत्म। ये ऐसी दवाइयां भाई साहब बुजुर्गों की बताई हुई है, बात यार कहां से यार, ये है तो दो पैसे की लेकिन ये सोने से ज्यादा कीमती है। अच्छा, वजह क्या, लोगों को पता नहीं है, लोग जानते नहीं, इसलिए डॉक्टर पास जाते हैं, बेशुमार पैसा खर्च करते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर भी बवासीर की शिकायत दोबारा हो जाती है। अच्छा, आपको मिलेंगे ऐसे लोग कि हमने ऑपरेशन कराया यार फिर दिक्कत हो गई, कमाल कर दिया यार। बस ये उस टाइम तक थोड़ी बादी चीजों का इस्तेमाल न करें, बादी चीजों का 8 दिन करीब तली हुई चीजों का और बादी चीजों का इस्तेमाल न करें, जैसे कि तुम्हारी तुरई है, बैंगन है, और तुम्हारा ये उड़द है, चावल वगैरह है, चावल वगैरह, इससे थोड़े परहेज कर लें, बाकी जिंदगी भर के लिए खत्म। ठीक है भाई, ठीक है भैया।